आदाब नाजरीन, द डेली न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान इशरत भट्ट। नाजरीन, ऐसा मुद्दा जिस पर आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, वसीम रिजवी नामी एक शख्स ने कुरान मजीद के हवाले से जो बयान दिया है उसमें उसने कहा है कि कुरान मजीद से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पूरे मामले पे मौलाना सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी साहब, जो रियासत जम्मू और कश्मीर की एक नामवर शख्सियत हैं और दुनिया शियत के बहुत बड़े आलिम हैं। इनसे इस मामले में गुफ्तगू करेंगे। जाफरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जनाब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमें इस गुफ्तगू का मौका दिया। मैं तो इस सिलसिले में ये कहता हूँ कि ये शख्स जो है कोई अजीब किस्म का आदमी है जो दुनिया में इस सदी में और इस ज़माने में नमूदार हुआ है, इसलिए कि कुरान 1400 साल पहली किताब है और इस रूए ज़मीन पर ये अल्लाह का कलाम है, जो वाहिद कलाम है जो सालिम बचा हुआ है, तहरीफ से सालिम है और इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है रद्दो बदल की। और आलम यहूदियत से, आलम मसीहियत से और दूसरे मसालिक से, मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में से किसी ने भी आज तक कुरान मजीद पर इस तरीके से उंगली उठाने की जसारत नहीं की है जिस तरीके से इस शख्स ने ये जुरत की है, जिसे लगता है कि पता नहीं ये किस सियारे की मखलूक है, इस सियारे की है भी यानी किसी और सियारे की है, इसलिए इससे बड़ी हिमाकत हो ही नहीं सकती है जैसी हिमाकत इस शख्स ने की है। वजह उसकी ये है कि कुरान मजीद किसी एक छोटे मोटे आदमी की तसनीफ़ या तालीफ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है और ये रहमतुल लिल आलमीन के हाथों और उनके ज़रिए से दुनिया में आया है और दुनिया वालों के सामने इसको पेश किया गया है। तो अल्लाह के कलाम में रद्दो बदल करना किसी एक मखलूक के बस की बात नहीं है, किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये कलाम पहले भी महफूज था, आज भी महफूज है और हमेशा महफूज रहेगा। खुदा वंदे मुताल ने ख़ुद जो है वो इस सिलसिले में कहा, इन्ना नहनो नज़ल न ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो 26 आयतें तो दूर की बात है, असल इसके बारे में सोचना भी गुनाह है कि कोई आदमी एक नुक्ता या एक हर्फ इसका इधर से उधर कर दे। आम इंसान के बस का रोग नहीं है। सबसे बड़ी वजह दूसरी उसकी ये है कि असल एक आम आदमी वसीम रिजवी जैसा ये फटीजर किस्म का आदमी, असल जिसको आदमी कहना भी जो है वो इंसानियत की और आदमियत की तौहीन है, ये कहे कि 26 आयतें इसमें से निकालनी है। भाई, तुम इसमें से एक आयत को भी समझते हो? एक गैर मासूम इंसान दावा नहीं कर सकता है कि मैं कुल्ली तौर और मुकम्मल तौर पर आयत को समझ गया हूँ। कलाम इलाही है, मामूली बात नहीं है। और अल्लाह ने इसको भेज कर इसके सिलसिले में पहले ही ये अहतमाम कर दिया था कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कि ये रहमान है जिसका काम कुरान की तालीम देना है। हर आदमी कुरान की तालीम नहीं दे सकता है, दूसरे लोग जो तालीम देते हैं वो तालीम मुंतकिल करते हैं, जो तालीमात अल्लाह की तरफ से उन तक पहुंची है मासूमीन अलैहिस्सलाम तक, और वो तालीमात जो है वो आगे बशरियत के लिए, इंसानों के लिए मुंतकिल करते हैं ताकि इंसानों की हिदायत और रहनुमाई हो। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, कलाम पेश करने वाला वो है जिसको मुत्तफ़िका तौर पर दुनिया के सारे मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं और अल्लाह ने उसको कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि हमारे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। जिसको अल्लाह ने रहमत बना के भेजा है, क्या उसके हाथ से कोई ऐसी चीज़ दुनिया वालों के सामने आ सकती है जो किसी के लिए भी बाइस ज़हमत हो? इत्तफाक़ से बात आलमीन की कही गई है, मुसलमानों की बात नहीं कही है, मोमिनों की बात नहीं कही है, शियों सुन्नियों की बात नहीं कही है, ईसाइयों के लिए नहीं कहा है, यहूदियों के लिए नहीं कहा है, किसी भी मज़हब के लिए, किसी भी मसलक के लिए नहीं कहा रहमतन लिल आलमीन। हमने आलमीन के लिए, इंसानों के लिए, नबातात के लिए, जमादात के लिए, हैवानात के लिए, इस कायनात में जो कुछ है वो सब के लिए रहमत बन के आए हैं। उनके ज़रिए से जो कुछ आया दुनिया में वो रहमत ही रहमत है। तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है कि कोई एक आयत उसमें ऐसी है या दो आयतें या 26 आयतें उसमें ऐसी हैं कि जो दहशत गर्दी की तालीम देती है। जिन 26 आयतों का उस शख्स ने जिक्र किया है उसके मुताबिक के मतलब कुरान की ये 26 आयतें जो है वो
मतलब दहशत गर्दी का वो मतलब पैगाम दे रही हैं जिनको मतलब निकाला जाए, तो इसमें आप क्या देखते हैं, क्या ये कोई सियासी मामला मतलब तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से ये अपनी पॉपुलरिटी चाहता हो? जाहिर सी बात है कि इसमें दोनों बातें हैं, एक तरफ कोई सियासी मामला भी लगता है कि किसी ने उसको जो है वो प्लांट किया है और वो इस्लाम से कुरान से पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मसलन ये यहूदियों की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल यहूदियों का तذکرہ खुल कर कुरान मजीद में है, लेकिन ये नहीं है कि आप उनको काट दो, उनको मार दो, उनको ख़त्म कर दो। ये बताया गया कि यहूदी ऐसी कौम है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ये कभी भी काबिल एतबार कौम नहीं है। तो इतनी सी बात है, अब वो यहूदी अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को भी प्लान कर सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कि यार हम तो नहीं कर पाए, हमारे पास में तो नहीं था कि हम इसमें से ये दावा करें कि कोई रद्दबदल किया जाए। तुम मुसलमान हो, तुम इतना पैसे लो, ये लो वो लो, तुम कर डालो इस किस्म का दावा, ताकि जो है वो दुनिया के एक शैतानत जो है वो दुनिया के सामने आ जाए। और नापाक कोशिश कुरान को बदनाम करने की, मुसलमानों को बदनाम करने की, और साथ में मुसलमानों के जो दो बड़े फ़िरके हैं शिया सुन्नी, इनके दरमियान तफरका डालने की, यानी एक पंथ कई का जो है एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की गई है। मतलब देखा गया है जब से ये बयान इसका सामने आया है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों में काफ़ी ज़्यादा मतलब गम गुस्सा है, मुसलमानों को छोड़ के भी मतलब दूसरी जो अकवाम हैं उनमें भी काफ़ी गुस्सा है। तो आप कौम को क्या यहाँ से पैगाम देंगे इस हवाले से? हमारी कौम जो है वो इसमें खुदा का शुक्र है कि सबसे पहले मैदान में आई है, यानी ये बहुत ही अच्छा हुआ, और परवरदिगार आलम की तरफ से मैं ये समझता हूँ कि मौजज़ा है, और वही जो हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है वो काम अल्लाह ने इस कौम से लिया, पहले ही ले लिया कि दूसरे को एतराज़ करने से पहले हमने एतराज़ किया, सब ने एतराज़ किया, कहा इसका शिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका हमारी बरदरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आज के बाद इसके साथ बिल्कुल हर तरह से सोशल बायकॉट है, इसका कोई लेना देना हमसे, हम इसकी नमाज पढ़ाना, इसकी तदफीन करना, असल इसके जनाजे में जाना, किसी भी तरह से इसको सलाम करना, इसके सलाम का जवाब देना, उठना बैठना है इसके साथ, बिल्कुल हर लिहाज से जो है वो गलत है और बिल्कुल इसमें काबिल मजम्मत है। पूरी कौम को ये चाहिए कि वो इसकी हर पैमाने के ऊपर मजम्मत करे और असल इससे नफरत का इजहार करे। इसमें कौम की किसी भी तरह से कोई भलाई नहीं है, बस वसीम रिजवी के बयान में 0% भी जो है वो शियत के हक़ में कुछ नहीं कहा गया, जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी और नफरत फैलाने के लिए। मतलब इस वक्त क्या उलमा जो है हमारी हिंदुस्तान के, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो बनती है वो पूरी की है, तमाम फिरकों की तरफ से, तमाम हर तबके की तरफ से बयान आया है इसकी मजम्मत में, इतना काफ़ी है। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई इसके पीछे किसका हाथ है। सारे उलमा मुत्तफिक होकर के, मुत्तहिद होकर के, जो यहाँ पर हुकूमत है, जो मिशनरी है, उनके ऊपर दबाव डाला जाए, उनको कहा जाए कि बाप कसूरवार को सामने लाओ, मुजरिम को सामने लाओ और मुजरिम को सज़ा दो। तुम ऐसे लोग हमारे मुल्क में आखिर कहाँ से आ गए? क्यों ऐसे लोग हमारे मुल्क में पलते हैं कि जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बनते हैं, मुल्क में जो एक भाईचारा है, एक अमन है, एक शांति है, उसको तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उसको सबताज करने की कोशिश करते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो है वो इसको पकड़े, इसको सलाखों के पीछे ले जाए, इन्वेस्टिगेशन करे इसका अच्छे तरीके से, और फिर पूछे कि भाई किसने तुझे प्लांट किया है, किसने तुझे आगे लगाया। एक आखिरी सवाल आपसे, इन जो 26 आयतों का इस मलून ने जिक्र किया है, क्या उलमा हजरात ने अवाम पर इन आयतों पर काम किया है? मतलब उलमा हजरात ने लोगों तक ये सारे सिलसिले पहुँचाए हैं, मतलब जिससे ये वाजे हो जाता है कि वसीम रिजवी झूठ बोल रहा है? ज़ाहिर सी बात है, अगर ना पहुंचाए होते तो इतने यानी वसी पैमाने के ऊपर मुत्तफ़िका तौर के ऊपर हर तबके की तरफ से कहाँ से एहतजाज होता? मालूम है कि लोगों को इससे ज़्यादा शुद्धबुद्ध है कुरान की आयत सुनने। और फिर मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि वसीम रिजवी को आखिर किसने बताया, किसने समझाया? क्या आप ये समझते हो वसीम रिजवी का कैफा देख करके कि कोई स्कॉलर है, ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ये कोई दीनदार इंसान है? उसके घर वालों का बयान आया कल के, ये असल बेनमाजी है, रोज़ा नहीं रखता है, बेदीन शख्स है, हमने 3 साल से इसको घर से बाहर निकाला हुआ है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो उसको किसने बताया कि 26 आयतों में दहशतगर्दी का दर्ज देती? कौन है उस्ताद उसका? आखिर उस उस्ताद को सामने लाए, पता चल जाएगा। ये गलत है, ऐसी कोई आयत कुरान मजीद में नहीं है ऐसे समझे, और ये कोई मामूली सी बात नहीं है। एक आयत को समझाने के लिए 100 जल्दें जो है वो तफसीर लिखी जा सकती है, और वो बैठ करके फैसला कर दिया उसने कि आप ये दहशतगर्दी की तालीम देती है।
आपको मालूम नहीं है जाहिर में कुछ है, अंदर उसके कुछ है, बातिन उसका कुछ है। कुरान के बातिन को समझना आसान बात है, नहीं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने कुरान को समझा है आज इस दुनिया में। तवज्जो की आपने, जब तक इमाम मासूम आकर के सही तरीके से कुरान मजीद की तालीम ना दे, तब तक कोई इसको समझने का कमा हक दावा नहीं कर सकता है। लिहाजा हम तमाम आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भाई सबका कुरान यही है, रसूलुल्लाह का कुरान यही है, अल्लाह का कुरान यही है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुरान यही है, हमारा शियों का कुरान यही है। मैं अपने कौम को, अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि यही हमारा शियों का कुरान है, मिन नान यही कुरान है, इसके अलावा कोई दूसरा कुरान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौलाना सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी साहब, जो हमारे साथ बात कर रहे थे वसीम रिजवी के हवाले से जो बयान दिया गया है। आप देखते रहे द डेली न्यूज़, कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ इशरत।